देखिए आ जाइए सभी लोग लाइव। अरे लाइट प्रॉब्लम हो गई, एक मिनट। लाइट प्रॉब्लम थोड़ी सी सही है। हाँ तो सभी लोग आ जाएं, हेलो हाय जो भी है, ताकि पता चल जाए मुझे कि आप लोग आ चुके हैं। ठीक है तो आ जाएं। आज का इम्पोर्टेंट चैप्टर है प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन हमें पढ़ना है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है प्रोनाउन। और देखना है कि हम हाउ टू, ठीक है, कैसे पढ़ें, हम कैसे पढ़ें देखना है। तो देखें, आ जाएं सभी। और जो आ गए हो पहले तो वो अपना, अच्छा ये बताओ जो आपका नाउन चैप्टर रहा तो आप लोगों के लाइक और शेयर और आपका स्नेह बता रहा है कि नहीं भाई नाउन जो चैप्टर रहा आपका बड़ा ही अच्छा रहा है। ठीक है, आज लेकिन आपका प्रोनाउन है। नाउन से हमने नाउन को पढ़ा, नाउन का प्रैक्टिस किया। ठीक है, अब हमें चलना है प्रोनाउन को। प्रोनाउन को पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। क्यों? जब प्रोनाउन को पढ़ेंगे तो प्रोनाउन के बाद भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसलिए प्रोनाउन को हम पढ़ते हैं फुल। तो बताएं पहले तो वीडियो क्वालिटी कैसी आ रही है, साउंड वगैरह कैसा है, थोड़ी बता दिया करें ताकि मुझे भी पता चल जाए। ठीक है, रोशन जी आप तो करो चालू सर कोचिंग। लो भाई बिल्कुल रोशन जी चालू ही है। ठीक है, क्लियरिटी आ रही है रोशन? ठीक है, तो देखिएगा प्रोनाउन आज का जो चैप्टर है उसको हम ले चलते हैं प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन, अच्छा प्रोनाउन को पहले मैं ऐसे ही समझ लूँ, मैंने क्या बताया था? अच्छी है सर, बढ़िया है। और हाँ तो मैं आपको बता दूं कि आज जो आपको पढ़ना है प्रोनाउन, और प्रोनाउन बिल्कुल आपको फ्री माइंड से पढ़ना है। ठीक है, और वैसे ही पढ़ते हो आप लोग फ्री माइंड से, तो लेकिन मैंने बता दिया है कि फ्री माइंड से पढ़ना है। तो पहले ये बताऊं जो पढ़ना है प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन है क्या? ठीक है, तो प्रोनाउन मैं बता दूं, प्रो यानी कि मीन्स होता है फोर, यानी पहले। ठीक है, और नाउन मीन्स होता है, पता ही होगा आपको, नोमेन से बना है, लिटिल शब्द नोमेन से, यानी कि नाम, नाम से पहले, अर्थात हम कह सकते हैं नाउन के पहले या संज्ञा के स्थान पर। ठीक है, पहले या स्थान पर। अच्छा, इसको जैसे हम हिंदी में लिखते हैं सर्वनाम, सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम क्यों कहा गया प्रोनाउन? प्रोनाउन को सर्वनाम इसलिए कहा गया क्योंकि प्रोनाउन जो है सभी का नाम है। सर्वनाम, सर्व मीन्स होता है सभी का, और नाम मीन्स नाम, ऐसा नाम जो सभी का हो, पर्सनल ना हो, सभी का हो, वो प्रोनाउन है, वो सर्वनाम है। जैसे मैं आपको बता दूं आई, तो आई सभी का नाम है। मैं, ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप को कहूं कि मैं, तो मैं भर केवल मैं हूं, ऐसा नहीं। कोई भी व्यक्ति, संसार का कोई भी व्यक्ति अपने आप को मैं कह सकता है। संसार के किसी व्यक्ति को आप यू कह सकते हो, तुम, लेकिन संसार के किसी व्यक्ति को आप मोहनलाल नहीं कह सकते हो। हर व्यक्ति को बताइए, आप अमेरिका में जाके किसी को मोहनलाल कहोगे क्या? लेकिन अमेरिका में भी जाके, इंग्लैंड में भी जाके, फॉरेन कंट्रीज में भी जाके, इंडिया के किसी कोने में भी जाके आप सभी को यू बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? यू। आ जाइए सभी। राज रेकवा हेलो सर, हंडारन कुशवाहा बहुत बढ़िया। और पहले आप लाइक कर दें वीडियो को और शेयर जरूर कर दें ताकि अधिक से अधिक बच्चे हमसे जुड़ सकें और सीखें क्या है प्रोनाउन। तो अब आपको समझ में आया प्रोनाउन का मतलब क्या है? सर्वनाम, यानी कि नाउन से पहले यूज होना या नाउन के स्थान पर यूज होना। अच्छा मैं डेफिनेशन देख लेता हूँ, परिभाषा क्या होती है। ठीक है, परिभाषा तो देखो हिंदी में, तो परिभाषा चाहे हिंदी में हो
ठीक है, और चाहे अंग्रेजी में हो, अंग्रेजी में चाहे या हिंदी में, मेन चीज है कि आपको आना चाहिए। इंग्लिश क्या है, आपकी लैंग्वेज है, भाषा है, ज्ञान क्या है, हिंदी, तो यानी तो हमें हिंदी को आना जरूरी है। ठीक है, तो सर्वनाम, ठीक है, जो ऐसे नाम जो सभी के लिए प्रयुक्त हों वो सर्वनाम है, हो गया परिभाषा, हो गया डेफिनेशन, या हम लिख सकते हैं प्रोनाउन इज अ वर्ड, अ प्रोनाउन लिख लो, अगर लिखना हो, लिखना तो जरूरत ही नहीं है लिखने का, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड, प्रोनाउन इज अ वर्ड, ठीक है, प्रोनाउन इज अ वर्ड, ठीक है, इज यूज्ड या विच इज यूज्ड, इज यूज्ड एट द नेम ऑफ प्रोनाउन, सॉरी, एट द प्लेस ऑफ प्लेस ऑफ नाउन, जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किए, प्रोनाउन इज अ वर्ड, प्रोनाउन वह शब्द है, ठीक है, इज यूज या विच इज यूज, विच भी लगा सकते हैं हम यहाँ, विच इज यूज एट द प्लेस ऑफ नाउन, जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाए, ठीक है, जैसे सपोज दैट राहुल, कोई भी नाम ले लिया मैंने राहुल, तो राहुल के स्थान, राहुल क्या है आपका नाउन, राहुल क्या है संज्ञा, मैंने कल क्या बताया था नाउन में, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जय हिंद भाई, जय हिंद मेरा फ्रेंड है, बहुत बढ़िया, नाउन, तो नाउन क्या है, राहुल, संसार का कोई भी व्यक्ति हो, किसी का भी नाम हो, वो क्या है, नाउन है, लेकिन इसके स्थान पर अगर हम जो नाम प्रयुक्त करें, यूज एट द प्लेस ऑफ नाउन, जैसे हम राहुल के लिए क्या बोल सकते हैं, ही, तो ये क्या हो गया प्रोनाउन, ठीक है, तो ही, सी, इट, ठीक है, आई, वी, दे, आई, वी, दे, यू, ठीक है, ये सब क्या है, ये प्रोनाउन है, आपके सभी प्रोनाउन है, ठीक है, ये आपके प्रोनाउन है, समझ में, अच्छा, अब मेन चीज बात माइंड में आती है कि प्रोनाउन का हम प्रयोग करें क्यों, प्रोनाउन का प्रयोग हम करें क्यों, ठीक है, अच्छा, अभय वर्मा, गुड इवनिंग सर, भाई गुड इवनिंग अभय, क्वालिटी कैसे, अच्छा अभय वर्मा दिल्ली से है ना आप, दिल्ली से, बिलताल से, तो मैं आपको बता दूं, हाँ सर, चलो बढ़िया है, अच्छी बात है, देखिए, तो नाउन यानी प्रोनाउन, अब मैं आपको ये बता दूं कि प्रोनाउन का प्रयोग हम करें क्यों, ठीक है, प्रोनाउन का प्रयोग हम करें क्यों, जैसे करना क्या है हमें कि यूज ऑफ नाउन, नाउन का प्रयोग करना, अगेन एंड अगेन, वार वार, अगेन एंड अगेन, ठीक है, नाउन का बार बार प्रयोग करना, ठीक है ना, कैन ऑब्जर्व द लैंग्वेज, ठीक है ना, नाउन का बार बार प्रयोग करना भाषा को खराब कर सकता है, इसलिए हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, अगर बार बार हम नाउन का प्रयोग करेंगे तो भाषा खराब हो जाएगी, अब देखना कैसे, जैसे सपोज दैट मोहनलाल नाम है किसी का, सपोज ना मोहनलाल क्या है, नाउन है, अब मोहनलाल का ही हम प्रयोग करेंगे कहीं पर, अगर हम प्रोनाउन का प्रयोग ना करें, प्रोनाउन को हम शो करें ही ना, केवल नाउन को लेके चलें, तो भाषा आपकी बहुत भद्दी, अब्जर्ड होने वाली, स्पॉयल, गंदी, डर्टी होने वाली है, खराब हो जाएगी भाषा, कैसे, जैसे मोहनलाल, मोहनलाल की घर जाता है, अब ऐसे नहीं लग रहा जैसे वो किसी और के घर जा रहा हो, मोहनलाल मोहनलाल के घर जाता है, ठीक है, मोहनलाल 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 के पिता का एकमात्र पुत्र है, ठीक है, मोहनलाल, एक पैराग्राफ लिख दूं, मोहनलाल मोहनलाल की
माँ से बहुत प्रेम करता है। ठीक है, अब मैं आपको ये बता दूं, अब मैंने यहां पर प्रोनाउन का प्रयोग किया ही नहीं है, केवल मैंने नाउन का प्रयोग किया है। ठीक है, वीडियो क्वालिटी सही आ रही है ना। गुड इवनिंग सर, आशीष अनुरागी वेलकम भाई, गुड इवनिंग सर, बहुत बढ़िया झकास क्वालिटी, चिराग अली आज आप भी आ गए, कुलदीप अहरवाल प्रणाम गुरुदेव, अखंड कल्याण हो, प्रसन्न रहो। ठीक है, और मैं बताऊं आपको भैया, एक छोटा सा काम कर दो कि लाइक करके थोड़ी वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दो, फेसबुक पर भी शेयर कर दो, ताकि अधिक से अधिक जुड़ सकें। ठीक है, कभी अभी तो आधे बच्चों को पता भी नहीं होगा कि हम आ रहे हैं लाइव या नहीं, ऑफलाइन चल रही है, कोरोना लॉकडाउन चल रहा, लॉकडाउन कुछ भी हो ठीक है ना, लेकिन मोरल डाउन नहीं होगा। ठीक है, लॉकडाउन बढ़ जाए लेकिन मोरल डाउन नहीं होगा, मैं आपको बता दूं। तो मोहनलाल मोहनलाल के घर जाता है, मोहनलाल मोहनलाल के पिता का एकमात्र पुत्र है, मोहनलाल मोहनलाल की माँ से बहुत प्रेम करता है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मैंने प्रोनाउन का प्रयोग नहीं किया है, बिल्कुल नहीं किया, हिंदी में भी नहीं किया है। मैं अगर इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दूं कि मोहनलाल गोज टू द हाउस ऑफ मोहनलाल, मोहनलाल मोहनलाल के पिता का एकमात्र पुत्र है, मोहनलाल इज ओनली सन ऑफ मोहनलाल फादर। तो देखो यहाँ पर हमें अब्जर्ड हो रहा है, बेकार लग रहा है, जैसे कहा चल रहा है, जैसे मोहनलाल मोहनलाल का पिता का एकमात्र पुत्र, जैसे किसी दूसरे का पुत्र हो, मोहनलाल मोहनलाल की माँ से बहुत प्रेम करता, तो ऐसे लग रहा है जैसे मोहनलाल किसी और की माँ से प्रेम कर रहा हो, अपना तो नहीं है यहाँ पर। मतलब यहाँ पर भाषा ही कुछ अब्जर्ड लग रही है, खराब लग रही है। तो ऐसी कंडीशन में हमें प्रोनाउन का यूज करना पड़ता है, समझ में आया। प्रोनाउन का प्रयोग हम करते क्यों हैं भाई, ये तो ठीक है कि प्रोनाउन का प्रयोग होता है, लेकिन क्यों, हमें आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, तो मैं बता दूं, भाषा को सरल और समझने योग्य बनाने के लिए ठीक है हमें प्रोनाउन का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, तो इसको मैं अरेंज कर रहा हूँ, और अगर कोई दिक्कत है तो आप एक स्क्रीनशॉट वगैरह ले लें, वैसे ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। अच्छा बताओ ईमानदारी से कमेंट करके कि अभी तक मैंने जितना पढ़ाया है आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता पड़ी क्या। ठीक है, आगे देखिएगा, काइंड ऑफ प्रोनाउन, काइंड ऑफ प्रोनाउन, काइंड ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन के प्रकार। ठीक है, नाम है तो नाम कितने प्रकार से होंगे। हाँ सर, आज वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी आ रही है। आज क्या है ना, मैं गया था टावर के पास, तो मैंने उससे कहा था भैया कुशवाहा जी के पास अकोना में अच्छी क्वालिटी नहीं आ रही है, अकोना से हो क्या, थोड़ा से, बहुत बढ़िया कुशवाहा जी, कुलदीप अहरवाल, ओके सर जी। आगे देखें तो मैं आपको बता दूं कि काइंड ऑफ प्रोनाउन, और ज्यादा माइंड में जोर नहीं डालना है, मैंने बताया भी था कि आप माइंड में जोर डाल के बैठ जाओ कि अरे पढ़ना है पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अगर कोई आपसे कहता भी है ना कि बी पॉजिटिव बी पॉजिटिव, अब देख लो पॉजिटिव वालों की कंडीशन, जो कोरोना में पॉजिटिव निकल आता है रोता है, वो कह रहा है बी निगेटिव, अच्छे से पढ़ो। ठीक है ना, दिमाग में ज्यादा जोर नहीं डालना, मैं हूं ना, आई एम ऑलरेडी प्रेजेंट, मैं आपके साथ हूं, एक एक चीज को बारीकी से बताऊंगा, पता नहीं चलेगा कब पढ़ा और कब सीख लिया, पढ़ाना नहीं है सिखाना है। आगे देखिए, काइंड ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन के प्रकार, भाई सीखना उसे है जो तुमसे आता ना हो, तुम्हें आएगा। काइंड ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन के प्रकार, अच्छा प्रोनाउन जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन के प्रकार, इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, क्यों, काइंड ऑफ प्रोनाउन। भाई जैसे हमने देखा कि अगर व्यक्ति को बुलाना है तो कौन से नाम ले लें, समझ रहे ना आप, किसी वस्तु को चाहिए तो कौन सा नाम ले लें, अगर किसी से प्रश्न करना है तो कौन सा नाम ले लें। ठीक है, किसी को इशारा करना है तो कौन सा नाम ले लूं। ठीक है, ये प्रोनाउन का काइंड बांटा गया है, बंटवारा डिवाइडेशन। अब समझिए, जैसे पर्सनल प्रोनाउन पहला, ठीक है, पर्सनल पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है ना, तो पर्सनल प्रोनाउन है पर्सनल। देखो पर्सन मीन्स क्या होता है, इंसान, आदमी, तो आदमी के लिए कौन कौन से लगते हैं, आई, आई इंसानी कहेगा ना, मैं अपने आप को, समझना, मैं इंसानी कहेगा ना, किसी तुमने भैंस को तो नहीं देखा है, हैं,
आई एम गिविंग यू 2 लीटर्स मिल्क नहीं देखा होगा, क्यों? इंसान बोलता पर्सनल प्रोनाउन आई बी यू दे, आई बी यू दे, ठीक है, ही सी इट, ठीक है, ही सी इट वगैरह, जी आपका पर्सनल प्रोनाउन है, इससे सॉरी सी ये आपका पर्सनल प्रोनाउन, इससे आप किसी व्यक्ति को बुला सकते हो। आपने अगर बुलाया हो तो किसी व्यक्ति के लिए बुलाने के लिए इन नामों का प्रयोग करोगे, ठीक है। इसके बाद नंबर 2, मैं प्लस संक्षेप में देख लूं, इसके बाद इनका पोस्टमार्टम करेंगे भैया बैठ के, समझे, पोस्टमार्टम करेंगे। पर्सनल प्रोनाउन कोई भी प्रोनाउन हो बैठ के अच्छे तरीके से, पहले थोड़ी देख तो लूं, ठीक है। तो देखिए आगे देखें, पर्सनल प्रोनाउन हुआ, पर्सनल प्रोनाउन के बाद होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है? तो इसको हम बोलेंगे संकेतवाचक, संकेतवाचक। डेमोन्स्ट्रेटिव मीन्स होता है संकेत, ठीक है ना, संकेतवाचक, संकेतवाचक, इससे हमें केवल संकेत, ठीक है ना। दिक्कत आ रही है क्या नेटवर्क में? संकेतवाचक, संकेतवाचक क्या, असंकेत के लिए कौन से लगेंगे? दिस, दैट, दीज, दोज। संकेतवाचक के लिए दिस, दैट, दीज, दोज, जैसे, ठीक है। अब पास की वस्तुओं के लिए हम दिस का यूज करेंगे और दूर की वस्तुओं के लिए हम दैट का यूज करेंगे। पास की वस्तुओं के लिए दिस और दूर की वस्तुओं के लिए दैट। अच्छा, क्वेश्चन ये आता है कि कितने पास हों वो वस्तुएं जब हम दिस लगा देंगे, और कितनी दूर हों जब हम दैट लगाएंगे। तो सिंगुलर नंबर के लिए दिस है और प्लूरल नंबर के लिए दीज है, लेकिन ये पास के लिए होते हैं, दिस और दीज ये पास के लिए होते हैं, और दैट सिंगुलर नंबर के लिए है और दोज प्लूरल नंबर के लिए है, यानी कि बहुवचन के लिए है। तो ये दूर के लिए होता है, लेकिन कितने दूर? तो देखो मैं आपको बता दूं, जैसे आपको मैं बताऊं, अब मैं कहूं आपसे कि यह एक मार्का है, ठीक है, यह एक मार्का है, ठीक है, दिस इज अ मार्का, ठीक है। तो कितने दूर है जी मुझसे? इतने दूर होना चाहिए जहां तक मैं टच कर लूं। टच कर लिया तो दिस और दीज को यूज हम कर सकते हैं, और टच ना कर पाए तो वहां से आप दैट, यानी कि ये टच नहीं कर पाओगे तो आपको संकेत करना पड़ेगा, यह नहीं कहोगे तुम। अगर कहते हो तो देखो क्षेत्रीय भाषा है, कह सकते हो आप। तुम कहोगे नहीं हम तो खूब कहेंगे, तो कहिए फिर, मैंने थोड़ी रोका है, ये संकेत क्षेत्रीय भाषा है। लेकिन रियलिटी यही है कि जिस चीज को आप टच कर लें, जहां तक आपका हाथ जाए वहां तक आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पास की वस्तुओं के लिए दिस और दीज होगा, और दूर की वस्तुओं के लिए दैट और दोज होगा। क्लियर हो गया? पर्सनल प्रोनाउन समझ में आया, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन समझ में आया। अब चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। तो अच्छा, वीडियो को थोड़ी शेयर कर दें, ठीक है। चलो मैं भी अपने मोबाइल से शेयर कर दूं पहले, अब इसके बाद फिर मैं पढ़ाता हूं। चलो मैं भी शेयर कर रहा हूं, लाइक जरूर कर दिया करो। बिल्कुल, चलो वीडियो सही आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही अभी। अब इसके बाद देखिए, Enjoying reading today, sir, दीपक प्रजापति, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी, आज आप भी आ गए हैं तो शेयर जरूर कर दें। ऐसे बहुत से, मतलब मैं बताऊं आपको, पढ़ने वाले जो वास्तव में संघर्ष करने वाले हैं, और कई बच्चों को पता नहीं है कि मैं लाइव आने लगा हूं, ठीक है, किसी को पता ही नहीं। अभी तीसरा दिन है मुझे याद लाइव आते हुए। तीसरे नंबर पर देखें, इसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन। अच्छा, रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? तुमने रिलेशन सुना? रिलेशन तो सुना होगा, रिश्तेदारी, रिलेटिव कहते भी हो, हमारे भैया रिलेटिव हैं, कौन है आपके साथ, आपका इनसे क्या रिलेशन है? तो रिलेटिव प्रोनाउन कौन होते हैं? हु, व्हाट, विच, जो संबंध को बताएं एक दूसरे के संबंध को। अब तुम कहोगे सर संबंध कैसे बताते हैं, क्या संबंध है? बता रहा हूं क्या संबंध है। जैसे
यह वही लड़की है, यह वही लड़की है जिसने मेरा बटुआ चुराया, बटुआ चुराया, या कुछ भी लिख लो। तो देखो आपको मैं बता दूं, फिर इसको मैं पढ़ाऊंगा, अभी तो मैं बता रहा हूं। तो दिस इज द गर्ल, दिस इज द गर्ल हु स्टोल माई पर्स, ठीक है, हु स्टोल माई पर्स। अब देखिएगा हु क्या है, रिश्ता क्या है लड़की से, जिसने, यहां पर संबंध क्रिएट हो रहा है ना, जिसने, यह वही लड़की है जिसने मेरा बटुआ चुराया, दिस इज द गर्ल हु स्टोल माई पर्स, यह वही व्यक्ति है जो मेरा भाई है। तो आप बनाइए दिस इज द मैन, दिस इज द मैन, याद रखिए दिस इज द मैन हु इज माई ब्रदर, हु इज माई ब्रदर, यह वही व्यक्ति है जो मेरा भाई है, जो जो के लिए आपने क्या लगाया यहाँ पर हु, ठीक है। तो अभी मैं क्या बताऊँ, आप हल्का फुल्का समझे रिलेटिव प्रोनाउन क्या है। जितना भी WH फैमिली है, जितना भी WH फैमिली है, पूरा रिलेटिव प्रोनाउन है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पता होना चाहिए आपको, संकेत वाचक, डेमोन्स्ट्रेटिव संकेत, और पर्सनल प्रोनाउन व्यक्तियों के नाम के लिए है। ऐसे ही हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, ठीक है। संबंधित शब्द, भूपेन जी, ब्रजेश जाट, गुड सर, वेलकम। और भूपेन जी क्या है संबंधित शब्द, क्या थोड़ी सी इसका विश्लेषण करें, संबंधित शब्द क्या है, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं, तो रिलेटिव प्रोनाउन से फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अपना कमेंट तो जरूर करते रहें, आपके कमेंट से ही मुझे पढ़ाने में आनंद आता है। अगर आपका कमेंट आता है तो लगता है कि चलो आप लोग वॉच कर रहे हैं, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या है, इंटेरोगेटिव तो खुद ही लिखा है कि प्रश्नवाचक है, ठीक है। आज इसको समझना बहुत जरूरी है, यदि परसों के दिन आपको वीडियो पर फाइंड द एरर करना है, ठीक है, तो आज का वीडियो भी समझना आपके लिए बहुत आवश्यक है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी जो प्रश्न पूछने का काम करें, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन प्रश्न पूछने के लिए, कौन हो, तो कौन, प्रश्न पूछा ना, कौन हो, क्या लोगे, कहाँ से आते हो, कहाँ जाते हो, तो ये क्या प्रश्न पूछा है ना, तो जो प्रश्न पूछे वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। तो वो भी रिलेटिव प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन सेम ही होते हैं, ठीक है ना। हु, व्हाट, व्हाई, ये सब इंटेरोगेटिव 11 होते हैं। फिर मैंने क्या बताया, आप एक एक देखेंगे अभी, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट पे अगर आ जाए, इनडेफिनेट प्रोनाउन, इनडेफिनेट प्रोनाउन, इनडेफिनेट प्रोनाउन, इनडेफिनेट प्रोनाउन, ठीक है, इनडेफिनेट प्रोनाउन। अच्छा देखो, डेफिनेट मीन्स क्या होता है, डेफिनेट, ठीक है ना। आपने एक डायलॉग सुना होगा, ठीक है, मैं जो बोलता हूं वो मैं करता हूं, जो मैं नहीं बोलता हूं वो मैं डेफिनेट करता हूं। तो डेफिनेट, डेफिनेट क्या है, निश्चय, दिक्कत है कोई, डेफिनेट क्या है, निश्चित, तो डेफिनेट निश्चित है, ठीक है ना, बिल्कुल। मैंने क्या बताया, आप एक एक चीज को समझे, डेफिनेट मीन्स इन, इन क्या है, इन नॉट को शो करता है, नॉट यानी कि नहीं, यानी बिना निश्चित, निश्चित नहीं है प्रोनाउन, मतलब ऐसे प्रोनाउन जो निश्चित ना हो, ऐसे इनडेफिनेट प्रोनाउन, इनडेफिनेट, इनडेफिनेट मतलब प्रेजेंट टेंस वाला कोई इनडेफिनेट नहीं है, प्रेजेंट इनडेफिनेट, पास्ट इनडेफिनेट, फ्यूचर इनडेफिनेट, वो इनडेफिनेट नहीं है भैया। इनडेफिनेट मीन्स अनिश्चित प्रोनाउन, इनकी कोई निश्चितता नहीं है। अच्छा वो होते क्या है फिर, अनिश्चित होते हैं वो, तो कौन होते हैं, तो जैसे मैं आपको बता दूं कि एवरीवन, एवरीवन अनिश्चित, पता है का कोई है, समवन पता है का कौन है, किसी ने नहीं पता, अनिश्चित है, समवन, समबडी निश्चित ही नहीं है कुछ, समबडी, ठीक है, मैनी, फ्यू, ठीक है ना, सेवरल, ऑल, ये सब क्या है, इनडेफिनेट प्रोनाउन, अनिश्चित प्रोनाउन, एवरीवन, समवन, समबडी, मैनी, फ्यू, ऑल, ठीक है।
तो ये सब अनिश्चित हैं, कोई क्लियरिटी नहीं है निश्चित हैं या नहीं है। ठीक है, तो मिस भैया हम अरेंज करने वाले हैं, ठीक है, 5 हो गए हैं, 5 अभी और होना है, तो मैं आपको बता दूं कि एक बार फिर से देख लें इसी को, ठीक है, और आप मेरे साथ थोड़ी सा रिवाइज कर लें। पर्सनल प्रोनाउन व्यक्तियों के लिए होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है ना, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और संकेत वाचक है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस डैट वगैरह होता है, और रिलेटिव प्रोनाउन जो संबंध को शो करे, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द जैसे हु व्हाट व्हिच वेयर वगैरह। इंटरोगेटिव प्रोनाउन तो होते ही हैं प्रश्नवाचक, और इनडेफिनेट मतलब अनिश्चित, तो अनिश्चित आपके सामने है। एक बार आप खुद रिपीट कर लें और कमेंट बॉक्स में जाके एक कमेंट कर दें कि नहीं सर आगे चलें, तो मैं आगे आपको अभी पढ़ाता हूँ। माधुरी चौबे मोस्ट वेलकम, थैंक यू सर फॉर टीचिंग अस, अभय वर्मा बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और अपना मैंने आपके लिए केवल केवल 2 मिनट, केवल मैं 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, 30 सेकंड में अरेंज कर दूंगा। आप बताएं कमेंट के द्वारा कि जो मैंने अभी तक समझाया इसमें कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, आपने इसको माइंडली समझा, विथ हार्ट समझा है कि नहीं समझा है, कमेंट करिए फटाफट फटाफट कमेंट फटाफट कमेंट करें। जो अभी तक आपने पढ़ा है वो क्लियर हुआ? हाँ सर चलो आगे, ब्रजेश जाट बहुत बढ़िया, और माधुरी चौबे यस सर बहुत बढ़िया, और ब्रजेश जी तो मंगरोल में आज नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है, जल्दी फटाफट फटाफट अपना कमेंट करें। राज अकबर आगे चलो बहुत बढ़िया, तो यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत भाई? हाँ हरनारायण कुशवाहा सर आगे बढ़ो, बड़ी बढ़ो, हमको सब समझ में आ रहा है, अरे वाह बहुत बढ़िया। कुलदीप जी सर बहुत बढ़िया, ब्रजेश नो सर कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया, आगे देखिएगा आगे। और मैं आपको बता दूं अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए और शेयर जरूर कर दें व्हाट्सएप पर, देखो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, ठीक है। पहली बात क्या है, ये भी एक पुण्य का काम होता है, किसी को सोते हुए को जगा देना भी पुण्य का काम माना जाता है, ठीक है। कुछ क्या है जैसे मल ए? आगे वो कहते हैं कि नहीं हम तो भाई सब आता है, तो आता तो सभी को है, लेकिन कुछ पढ़ना भी पड़ता है, कुछ सीखना भी पड़ता है। आगे अपने जीवन में अधिकांशता फुल स्टॉप नहीं लगाना चाहिए, हमें अपने जीवन में डॉट डॉट करके छोड़ देना चाहिए, मन हमारा विद्यार्थी होना चाहिए अगर हमें कुछ सीखना है तो। आगे देखते हैं इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, रिफ्लेक्स यानी कि रिफ्लेक्शन मीन्स होता है परछाई, रिफ्लेक्शन मीन्स होता है परछाई, और यहाँ पर क्या रिफ्लेक्सिव, ठीक है ना, तो स्वयं यानी कि स्वयं के लिए हो, जो बिल्कुल स्वयं के लिए हो, मैं स्वयं पढ़ता हूँ, तो यहाँ पर सेल्फ लग जाता है, माई सेल्फ वगैरह में यहाँ पर हम सेल्फ जोड़ देते हैं, जैसे माई सेल्फ आप लोगों ने देखा भी होगा, माई सेल्फ योर सेल्फ योर सेल्फ भी होता है और योर सेल्फ भी होता है, ठीक है ना, हिम सेल्फ ऐसे आप लोगों ने देखा होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है, तो समझ में आया होगा यहाँ पर भी। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अच्छा डिस्ट्रीब्यूटिव ये बना है डिस्ट्रीब्यूशन से, डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांट देना, बंटवारा कर देना, अब बंटवारा कर ऐसे प्रोनाउन जो बंटवारा करते हो, बांटते हो, जो विकल्प दे देते हो, वो डिस्ट्रीब्यूट है ना, वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है जो बांटते हो। अब बांटते कौन कौन है, आइदर और नाइदर नॉट, या तो मैं या तो तुम, और ये आपका प्रोनाउन है, ठीक है, आइदर और या नाइदर, आइदर नाइदर, ठीक है ना, ये आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, ठीक है, एनी हुआ वन हुआ, ये आपको बंटवारा करते बांटते हैं, जो संगठन होता है उसको उसको बांट देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं जो प्रोनाउन, जैसे बांटना, या तो मैंने या तुमने, या तो मैंने या तुमने इस काम को किया, तो या तो मैंने बांटते हैं, डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं नंबर आगे, अब हमें देखना है
रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल प्रोनाउन रेसी, ठीक है। अब आगे चलते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। और रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या है? रेसिप्रोकल यानी कि रेसिप्रोकल मीन्स होता है पारस्परिक। आप फेसबुक चलाते हो ना, उसमें मित्र आता है, म्यूचुअल फ्रेंड आ जाते हैं ना, म्यूचुअल आ जाते हैं, उसका मीन्स क्या होता है? पारस्परिक। ऐसे ही रेसिप्रोकल मीन्स होता है पारस्परिक। रेसिप्रोकल मीन्स होता है पारस्परिक। और पारस्परिक मतलब ऐसे प्रोनाउन, ऐसे नाम जो पारस्परिक संबंधों को बताते हो। तो पारस्परिक संबंधों को कौन कौन से हैं जो एक दूसरे का, एक दूसरे के लिए, तो एक दूसरे के लिए ईच अदर, आपको पता भी है, ठीक है, एक दूसरे से, ठीक है, तुम एक दूसरे से बातें करते हो, यू स्पीक टू ईच अदर, एक ईच अदर, ईच अदर। और अगर सिंगुलर है तो ईच अदर, और प्लूरल है तो प्लूरल के लिए हम लगा देंगे वन एनोदर, वन एनोदर, वन एनोदर, कोई दिक्कत? इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। अब है एम्पैथिक प्रोनाउन, एम्पैथिक, एम्पैथिक। अच्छा तुम कहोगे जी एम्पैथिक होम्योपैथिक वगैरह क्या होता है? ऐसा कुछ नहीं है। एम्पैथिक क्या है? एम्पैथिक प्रोनाउन, मैं अभी बताता हूँ आपको एम्पैथिक क्या है। एम्पैथिक प्रोनाउन होता है, जैसे आप लोगों ने पढ़े हुए सेंटेंस है, मैं जाता तो हूँ, मैं पढ़ता तो हूँ, मैं खाता तो हूँ, मैं खेलता तो हूँ, ये कौन से सेंटेंस होते हैं, कौन से सेंटेंस इन्हें अंग्रेजी में बोला जाता है? एम्पैथिक, ठीक है। इसका मतलब होता है कि जोर देना। तो ऐसे इसमें एम्पैथिक प्रोनाउन जब जोर दिया जाए, मैं खुद कर लूँगा, मैं खुद पढ़ता हूँ, मैं खुद पढ़ाता हूँ, जैसे तुमसे कोई कहे कि पढ़ लो भैया थोड़ी, अरे वाह, मैं स्वयं पढ़ाता हूँ, मैं खुद पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एम्पैथिक आ जाएगा, और वो भी रिफ्लेक्सिव की तरह ही होता है। कैसे होता है? रिफ्लेक्सिव की तरह, इसमें भी माइसेल्फ वगैरह लगता है, लेकिन इसकी कंडीशन, स्थान चेंज हो जाते हैं, ठीक है जी। आपके वाक्य रिफ्लेक्सिव आपके वाक्य अंत में लगता है, और एम्पैथिक यानी कि सब्जेक्ट के जस्ट बगल में लग जाता है, ठीक है ना, ये वो सेल्फ वगैरह, ठीक है, बिल्कुल वही है। और मैंने क्या बताया, आप आज मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ लूँ, और कल से सबका एक एक का पोस्टमार्टम करेंगे, पोस्टमार्टम बैठ के बढ़िया वीआईपी तरीका से। अभी हल्का फुल्का देख तो लो हाउ कौन, इसके बाद नेक्स्ट टेन, टेन पे आ जाइए, ठीक है, आ जाइए यहाँ पर, देखते हैं टेन। इसके बाद है पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव। अब तुम कहोगे सर कि पजेसिव आपने सबसे बाद में पढ़ाया, ऐसा कुछ नहीं है, क्या बाद क्या शुरुआत, ठीक है ना, जहां पर खड़े हो जाओ वहीं से ही काम शुरू हो जाए। क्यों? या तो काम ऐसा करो, या तो काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, या नाम ऐसा करो कि नाम सुनते ही काम हो जाए, ठीक है ना। तो वही है पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन कौन होता है? पजेसिव अपने की, स्वयं की, अपने की अंग्रेजी में होती। जैसे मान लीजिएगा तुमने देखा हो, इसको हम एडजेक्टिव भी बोलते, एडजेक्टिव में होता है, ये प्रोनाउन में होता है, दोनों में होता है। लेकिन जब मैं पढ़ाऊंगा तो आप कहोगे सर कि प्रोनाउन में एडजेक्टिव कहाँ से आया है, तो एडजेक्टिव आ जाता है, बताऊंगा जैसे आप, ठीक है। तो पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन में आपका जैसे माई, माइन, ठीक है ना, पजेसिव में अपने की अंग्रेजी, स्वयं अपने की अंग्रेजी, ठीक है ना, योर, योर्स, ठीक है, जो पजेसिव आपके ये सब चलते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं इसमें, अगर अच्छा रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्शन यानी परछाई से बना, परछाई स्वयं की होती है, तो स्वयं यानी कि स्वयं की अंग्रेजी, माइसेल्फ को जो करता है, जो सब्जेक्ट है, उसमें आप एस ई एल एफ जोड़ देंगे, सेल्फ जोड़ देंगे, ठीक है ना। अगर सिंगुलर नंबर है तो एस, सिंगुलर नंबर है एक वचन में है तो सेल्फ रहेगा, अगर प्लूरल है एफ हटा के वी ई एस जोड़ देंगे, सेल्व्ज कर देंगे। डिस्ट्रीब्यूट यानी बंटवारा, बांटने वाला, डिस्ट्रीब्यूट सुना भी होगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ठीक है। तो बांटने वाले आइदर, नाइदर, एनी वन, और रेसिप्रोकल प्रोनाउन, पारस्परिक लिख लेना, अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ले लोगे तो क्या करोगे तुम, ठीक है, इसलिए समझ ही लो। एम्पैथिक प्रोनाउन, एम्पैथिक प्रोनाउन यानी कि जहाँ पर हम जोर दें, तो रिफ्लेक्सिव और एम्पैथिक एक जैसे ही होते हैं, पजेसिव आपके सामने ही है, देखकर हमें, आपको मैं केवल 30 सेकंड का समय दे रहा हूं, हमें कमेंट करके बताएं कि मैं आगे बढ़ूं कि बस रहने दूं, कमेंट करें अपना, ठीक है। सर मॉर्निंग में कितने बजे स्टार्ट होती है क्लास? भाई देखो अभय वर्मा जी, मैं
बिला ताल में हूं, वो तुम्हें बता दूं, बिला ताल में सबसे बड़ी समस्या होती है अगर, तो वो है नेटवर्क प्रॉब्लम। आप तो भाई दिल्ली में हो, राजधानी में हो, ठीक है, तो राजधानी में थोड़ी दिक्कत होती है कुछ। लेकिन मैं बता दूं, मैं दोपहर को 2 बजे आता हूं, 2 बजे, ठीक है, क्योंकि 2 बजे व्यक्ति सो जाते हैं तो नेटवर्क ट्रैफिक कम हो जाता है, और जब तक व्यक्ति सोता नहीं, जब तक वो उधर, जानती हो तुम, मैं अभय वर्मा, ओके सर। और वैसे अभय, आनंद आ रहा है नहीं आ रहा है, हैं? आज बिलाताल, अभय वर्मा देव स्मार्ट, वाह, नमस्ते सर, नमस्ते भैया, आनंद करो। मोहित गेमिंग जॉन, जी सर जी, एम्पैथिक प्रोनाउन को दोबारा, एम्पैथिक क्या होता है इसको हम फिर से पढ़ेंगे, अभी एक एक करके, अभी पढ़ा नहीं है हमने, हल्का फुल्का देखा है, इसके बाद हमें चलना है, अभी पर्सनल प्रोनाउन से फिर पढ़ना है। अभी मैंने केवल प्रोनाउन को पढ़ा है, अभी प्रोनाउन को पढ़ा है, प्रोनाउन को, एम्पैथिक का मतलब इसके ऊपर लिख लीजिए आप, ठीक है, इसका मतलब होता है जोर देना, एम्पैथिक, ठीक है। व्हेन डज नितिन सर टीच दीपक प्रजापति, आगे, और तो मैं आगे चलूं, चलो ठीक है, और कोई दिक्कत तो है नहीं किसी को, चलो बहुत बढ़िया। आज का क्लास बड़ा ही जबरदस्त रहा आप लोगों के साथ में, आनंद आया पढ़ाने में, ठीक है। अब हम चलते हैं, हमें जो हमें पढ़ना है, यहाँ तक तो हम लोग पढ़ते रहते हैं, ठीक है, और बचपन से जब से होश संभाला, मास्टर साहब जी ने मार मार के सिखा सिखा के डांट डांट के पढ़ा दिया, पढ़ो ये पढ़ो वो पढ़ो। अब तो लॉकडाउन हो तो घर में हो, ठीक है, अभी वरना स्कूल में होते आप लोग, क्यों? तो अब हम चलते हैं, अब जिनकी हमें जरूरत है, अब तो हम सबसे पहले देखेंगे पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को पढ़ते हैं, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन को पढ़ते हैं। नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है सर, आशीष अनुरागी। अरे कहाँ हो, यहीं बिलाताल में हो क्या? अच्छा, आ जाएगी धीरे धीरे। देखिए पर्सनल प्रोनाउन क्या है, पर्सनल प्रोनाउन में जब हम फाइंड द एरर करेंगे, कोई भी एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, कोई भी ग्रामर, तो ग्रामर है कोई भी हो, 9, 10, 11, 12, ठीक है ना, और एसएससी, बैंकिंग, रेलवे वगैरह, नेवी, जो भी हो, जहां भी, ठीक है, तो आपके लिए सबसे बड़ी समस्या होगी फाइंड द एरर, गलती को पकड़ना। गलती हम कैसे पकड़े और गलती कहाँ होती है, तो मेरा पर्सनल प्रोनाउन पहला ले लिया है, इसको हम आज पढ़ेंगे, पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन को हम देखते हैं कि इसमें हम देखेंगे पर्सन, पर्सन नंबर और जेंडर, पहला रूल, फर्स्ट रूल है, बिल्कुल पहला, प्रथम तीन चीजों को देखकर चलेंगे, पर्सन नंबर यानी कि वचन, एक वचन या बहुवचन, ठीक है ना, सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर, जेंडर यानी कि लिंग, और पर्सन यानी कि पता ही होगा आपको पर्सन कितने होते हैं अंग्रेजी में, तीन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो हम इन तीनों को लेके चलते हैं, जैसे आई सा, ठीक है, आई सा सम बॉयज, आई सा सम बॉयज, वर प्लेइंग, आयशा सम बॉयज, मैंने कुछ लड़के देखे, ठीक है, दे वर प्लेइंग, क्या लगाएंगे यहां पर, दे, यहां पर हम दे लगाएंगे, क्यों, कि दे किसके लिए है आप खुद बताओ, दे क्या है, पहली बात तो आप जी बताओ, दे है क्या, दे प्रोनाउन है, दे क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है, व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति से ही बुलाते हैं दे, तो दे किसके लिए है, बॉय के लिए है। अब बॉय का नंबर क्या है, नंबर क्या है, वचन क्या है, प्लुरल है, तो प्लूरल है, तो प्लूरल का हमने रखा यहाँ पर दे, ही नहीं लिख सकते हैं कि ही वाज प्लेइंग, गलत हो जाएगा, तो ये आपको मतलब
पता तो है, लेकिन मैं बता रहा हूँ किन किन चीजों को देखें। जेंडर, अब यहाँ पर जेंडर क्या है, गर्ल, जैसे सपोज दैट, जैसे ये होता आई सा अ गर्ल, आई सा गर्ल, ठीक है, प्ले, तो यहाँ पर दे वर प्लेइंग नहीं लगाती, आई सा गर्ल सी वाज प्लेइंग, आई सा गर्ल सी वाज प्लेइंग, क्यों, अ गर्ल, लड़की कितनी है, एक, तो एक के लिए हम क्या लगाएंगे, सी। जैसे यहाँ पर हमने देखा बॉयज की संख्या क्या है, नंबर क्या है, अधिक है, तो अधिक के लिए प्लूरल, प्लूरल के लिए हमने क्या लगाया, दे, तो दे, और इसी के अकॉर्डिंग इट हमने हेल्पिंग वर्ब क्या लगा दी, दे, अरे एक ही चीज है वर, और यहाँ पर गर्ल क्या है, नंबर क्या है, सिंगुलर नंबर है, एक वचन में है, तो गर्ल के अकॉर्डिंग हमने क्या लगाया यहाँ पर, वाज। तो पहली चीज हम ये देखेंगे कि हम हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, जो हेल्पिंग वर्ब है उस पर पकड़ करना बहुत जरूरी है, और जेंडर को जरूर देखें, कभी कभी ऐसा हो जाता है जैसे कि सी वाज कॉलिंग, ऐसे भी हो जाता, सी वाज कॉलिंग, सी वाज कॉलिंग हिज फादर, ठीक है, सी वाज कॉलिंग हिज फादर, तो यहाँ पर आपको फाइंड द एरर निकालना है, ठीक है, तो फाइंड द एरर, यहाँ पर आपको हिच की जगह क्या लिखना पड़ेगा, या ठीक है, हिच की जगह लिखना पड़ेगा आपको हर, ठीक है, या आप जैसे मान लीजिएगा आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग, ठीक है, और यहाँ पर कोई आपका पजेसिव वगैरह आ जाए, माई वगैरह, तो उस पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे अर्पित नायक भैया जी, नेटवर्क प्रॉब्लम है तो सर जी क्या कर सकते हैं, सर जी इतना कर सकते हैं, उतना ही कर रहे हैं हम, नहीं बिल्कुल भाई, क्या है, नेटवर्क प्रॉब्लम आती जाती रहती है, ठीक है, और नेटवर्क तो मैंने बताया नहीं है, सबसे खतरनाक समस्या है यहाँ का, बिलाताल का, ठीक है, तो नेटवर्क के लिए आप थोड़ी उसको मैनेज करें भाई, ठीक है। आशीष कि चली गई हो, क्यों आशीष है, अच्छा एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, जो गीत कहानी वगैरह होती उसमें नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं आती है, हैं 144 पिक्सल पे भी बढ़िया क्वालिटी आ जाती है, नहीं आती तो गीत तो सुनाई देता है कम से कम, क्यों, उसमें अक्षर देखने हैं। आगे अब इसके बाद दूसरे नंबर चलते हैं पर्सनल प्रोनाउन की ओर, ठीक है, सबसे पहले हमें देखना है प्रोनाउन, प्रोनाउन कौन कौन होता है, प्रोनाउन सब्जेक्टिव भी होता है और ऑब्जेक्टिव भी होता है, तो सब्जेक्टिव प्लस यानी कि वर्ब होगी प्लस प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव भी होगा, मतलब सब्जेक्ट में भी आपको प्रोनाउन मिल सकता है, ऑब्जेक्ट में भी आपको प्रोनाउन मिल सकता है, ठीक है, जैसे आई कॉल्ड, आई कॉल्ड हरी, तो हरी क्या है यहां पर, हरी नाउन है लेकिन सब्जेक्टिव नहीं है, कौन सा नाउन है यहां पर, ऑब्जेक्टिव, कर्मकारक, लेकिन हम इसके लिए अगर प्रोनाउन यूज करें तो हम क्या करेंगे, आई कॉल्ड हिम, आई कॉल्ड हिम, हरी की जगह क्या लिख देंगे, हिम, ठीक है, तो प्रोनाउन सब्जेक्टिव है आपका, जी सब्जेक्टिव है, इसके बाद जी हिम क्या है, ऑब्जेक्टिव मिलेगा आपको प्रोनाउन, ठीक है, तो आपको जी क्लियर है, जी तो देखो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल आपको क्लियरिटी से समझ में आ रही होंगी। आगे देखें इसके बाद नेक्स्ट रूल, ठीक है, इसके बाद देखो ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन, जो तीसरा रूल है जो आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा और बड़ी इंटरेस्ट से पढ़ा होगा, ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन, ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन, ठीक है, ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन, ऑर्डर मीन्स देखो क्रम भी होता है, रीऑर्डर सुना तुमने, रीऑर्डर, रीऑर्डर या रीऑर्डरिंग, ठीक है ना, तो ऑर्डर मीन्स आदेश भी होता है और क्रम भी होता है, तो प्रोनाउन का क्रम, अब प्रोनाउन को क्रम से क्या मतलब, जब प्रोनाउन दो से ज्यादा हो, दो हो या दो से ज्यादा हो तो उन्हें हम किस क्रम में रखेंगे, आप लोगों ने सुना भी होगा 231 का नियम, 231
31 का रूल आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो देखेंगे जैसे, और इसको देखें जैसे दो तीन वन, ठीक है ना। अगर सिमिलर नंबर में हो, अगर सिमिलर नंबर में आपके सब्जेक्ट हैं तो 231 का नियम लगेगा। जैसे जी नहीं है कि चाहे जो आ जाए, जैसे आपको मैं बता दूं यू ही एंड आई, यू ही एंड आई आर स्टूडेंट, कुछ भी हो सकता है, स्टूडेंट्स, यू ही एंड आई आर स्टूडेंट, तो यहां पर आपका ये रूल रहेगा 231। क्यों? सिंगुलर में है, देखो यू आपका सिंगुलर नंबर में होता है, एक वचन में भी होता है, ही अगर कोई दिक्कत है, यू एक वचन, जैसे मान लीजिएगा यू आर आ टीचर, ध्यान देना, तुम कहोगे नहीं सर हमने बहुवचन पढ़ा, हाँ मैं मानता हूं कि आपने बहुवचन पढ़ा है, ठीक है, लेकिन यू आर आ टीचर, तो टीचर कौन है, जैसे यू, यू कौन है, तुम कौन हो, जी तुम हो, ठीक है, यू तुम, टीचर कौन है, यू आर आ टीचर, तुम एक अध्यापक हो, तुम एक अध्यापक हो, तो अध्यापक कौन है, तुम, तो यू कौन से वचन में चला गया, सिंगुलर नंबर में चला गया, तो सिंगुलर नंबर है, और आई एक नंबर है, ठीक है, तो यू ही एंड आई थ्री, तो ये आएगा जब प्लूरल हूं, प्लूरल हो, सब्जेक्टिव क्या हो, जब प्लूरल हो, जैसे जैसे मैं बता दूं आपको वी यू एंड दे, वी यू एंड दे वर गोइंग टू राट, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, पर्सनल प्रोनाउन से ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि 231 का नियम कब लगेगा, 123 का नियम कब लगेगा, ठीक है, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। और आगे भी इसके बाद मैं आपको बता दूं, फिर एक नोट मैं छोटा सा लगा दूं यहां पर कि आपका यदि कोई गलत काम हो, चोरी वगैरह, मर्डर वगैरह, कोई गलत काम हो, बेकार काम हो, तो भी एक वचन के साथ में 231 का रूल लग जाता है, ठीक है ना, 123 का रूल लग जाता है, फिर वहां पर चाहे वो एक वचन ही क्यों ना हो, तो वहां पर 123 का रूल लग जाता, और अगर गलत काम है तो लगता ही है 123, चाहे कोई सा प्रोनाउन हो, चाहे एक सिंगुलर नंबर का हो, चाहे प्लूरल नंबर का हो, कोई भी हो, अगर कोई काम गलत है तो 123 का ही रूल लगेगा। 1 2 3 भाग गया चोर, 1 2 3 निजामुद्दीन, समझ रहे हो ना, जैसे 1 2 3 निजामुद्दीन मतलब चोर लोग होते हैं, ठीक है, तो भाग जाते हैं, ठीक है, तो भागना मतलब 1 2 3 कहते हैं ना भागने के लिए, तो मैं आपको बता दूं कि बुरे कामों के लिए 1 2 3 का रूल, चाहे वो सिंगुलर नंबर में हो, चाहे प्लूरल नंबर में हो, कोई भी नंबर हो, जैसे आई यू, ठीक है ना, आई यू एंड ही, ठीक है, अब यहां देखो सिंगुलर नंबर में आ रहे हैं सब, कुछ भी हो तो सब उसमें 123 का रूल ही लगेगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं आगे, और कोई समस्या आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट तो कर ही दें, बहुत देर से कोई कमेंट ही नहीं आ रहा है, ठीक है, कमेंट तो जरूर कर दें भाई, बिल्कुल, एक छोटा सा रूल बचा है उसको भर देखना है आपको, ठीक है, उसको देख लो, एक छोटा सा रूल, इम्पोर्टेंट रूल है, लेकिन इम्पोर्टेंट रूल है, उसको देख लो, ठीक है, एम्पो बहुत ज़्यादा लेकिन पूछा जाता है, ठीक है, जो छोटे होते हैं ना उनको बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो देख लीजिएगा, केवल 5 मिनट का लेक्चर मैं और दूंगा, इसके बाद बस आराम करिए, बहुत देख लिया है, केवल 5 मिनट का देखिए, इसके बाद जो रूल होता है तो उसको मैं बता दूं कि नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही क्या है, चल रहा है, सही है, तो देखो छोटा सा रूल है बिल्कुल, ठीक है, जैसे तीनों प्रोनाउन हो, ठीक है, जैसे तीनों प्रोनाउन हो, प्रोनाउन समझना, प्रोनाउन प्लस प्रोनाउन मतलब तीनों सब्जेक्ट प्रोनाउन के हों,
प्लस प्रोनाउन, तीनों सब्जेक्ट क्या हो, तीनों कर्ता प्रोनाउन से हो, मतलब उसमें कोई नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही। अच्छा हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम काफी हो रही है। तो इस रूल को मैं कल पढ़ाता हूँ, ठीक है, इस रूल को कल यानी कि दोपहर 2 बजे यहाँ से आगे चलेंगे कल दोपहर। अच्छा, दोपहर का जो 2 बजे का टाइम है, इस समय भी थोड़ी दिक्कत होती है, तो क्या मैं इसका टाइम थोड़ी चेंज कर दूँ क्या? कितने बजे कर दूँ बताओ, 12 बजे कैसा रहेगा? बारह बजे कर दूँ, 12 बजे तो कोई दिक्कत होती नहीं है। कमेंट करें थोड़ी, 2 मिनट का टाइम ने, 1 बजे, 1 बजे नहीं, या तो फिर 11 बजे, ठीक है, 1 बजे तो फिर बच्चे क्या होता है, फिर आनंद नहीं आता है, क्यों? कितना बजे कर दूँ टाइम, या सुबह 10 बजे तो सो के नहीं जा पाते होंगे, कितने बजे कर दूँ? बारह बजे, चलो 12 बजे, कल हम 12 बजे दिन में मिलते हैं। वो जो भी हो फेसबुक पे मैं लिख दूंगा, फेसबुक पर जो डुप्लेक्स इंग्लिश क्लासेस की फेसबुक है, मयंक विश्वकर्मा 11 बजे, हरनारायण 12 बजे सही रहेगा, 12 बजे ही सही रहेगा मयंक जी, 12 से 1, बस 12 से 1 क्लियर रहेगा, ठीक है। और कम लेट आए हो, कमेंट नहीं किया आज तुमने मयंक विश्वकर्मा, माधुरी चौबे, अब तो नहीं हो रही हो नेटवर्क प्रॉब्लम, हरनारायण, चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद, देखते हो लेकिन मिस नहीं करना कोई वीडियो, और ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।